जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का सातवां अध्याय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने यहाँ बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इच्छ्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष हो गए। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा सूर्यदेव धन्य हैं कह राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। बैसाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुओं की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊं, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, सैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तैल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होते हैं। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रीवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सैवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपने ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था। कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में दैव योग से रीवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शालमड़ी के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई, तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जान कहने लगा कि पहले मैं अनर्थ देश में भूराख्य नगर में जन्मा था, मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। ही अंग मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर में सूर्यदेव नाम का पुत्र है, जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः काल
स्नान कर विष्णु पूजा और भक्ति पूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांवों पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ, दैवयोग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न दर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर का बैसाख के महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने को तेरी इच्छा है सो पूछ, मैं तुझसे सत्य कहूँगा।